का इस प्रार्थना सभा में प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा आप लोगों पर अभी और अनंत काल तक बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ा खूबसूरत समय होता है ये जब हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु के करीब आने से पहले या प्रभु की उपस्थिति में आकर हमें अपने आप को एक बार चेक जरूर करना चाहिए। जी हाँ, फिर से कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आकर हमें अपने आप को एक बार चेक करना चाहिए। क्या चेक करना है? हमें यह चेक करना है कि कहीं मेरे दिल में, मेरे हृदय में कोई पाप तो नहीं है। क्या चेक करना है कि कहीं ईश्वर की कृपा या उसके आशीर्वाद के योग्य मैं हूं भी कि नहीं। हमें यह चेक करना है कि जिस प्रभु को मैं पुकारने जा रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन से खुश हैं? हमें चेक करना होगा कि जिस ईश्वर से मैं मांगने जा रहा हूं या कुछ कहने जा रहा हूं या जिससे मैं कुछ लेना चाहता हूं, उनकी बातों को मैं मानता हूं कि नहीं। जिस ईश्वर से मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने, मेरी प्रार्थना सुने, क्या मैं उसकी सुनता हूं? चेक करना चाहिए। सच में वास्तव में कई बार हम यूं ही बड़ा लाइटली परमेश्वर की उपस्थिति में आके जोर से चीखते चिल्लाते हैं, गीत गाकर अलोलिया बोलकर भाग जाते हैं और वहां पर कुछ होता भी नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, प्रार्थना के नाम पर प्रार्थना तो हो गई लेकिन ईश्वर की उपस्थिति है ही नहीं वहां पे। आजकल हर बात में मनुष्य मनोरंजन खोजता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर बात में, हर चीज में इंसान मनोरंजन खोजने लगा है। एंटरटेन होना चाहिए, है ना? और यही बात प्रार्थना में भी लागू कर दी, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा नाचो गाओ झूमो, खुद के लिए कर लिया, सेटिस्फेक्शन अपने लिए हो गया, वह हो गया, थोड़ा नाचे गाए घूमे, जोर जोर से तालियां बजा ली, चाहे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अच्छा लगना चाहिए। बस हमें अच्छा लगना चाहिए और जो कंडक्ट करते हैं वो भी सोचते हैं लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अरे भाई, जिसके नाम पर कर रहे हो उसको अच्छा लगा क्या? उसको पसंद आया क्या आपका झूमना? जिसके लिए किया उनको अच्छा लगा क्या? ये हमें चेक करने की आवश्यकता है बारंबार कि कहीं हम व्यर्थ में तो नहीं कर रहे हैं। जो काम हम अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, जो गीत आप गाते हैं, जो वचन आप सुनते हैं, कहीं व्यर्थ में तो नहीं हो रहा है? सूक्ति ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ और बाइबल में आप जहां कहीं भी पढ़ेंगे एक बात बार बार लिखी आपको मिलेगी कि कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं पर अंत में वह उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कुछ लोग अपना आचरण कैसा समझते हैं?
ठीक समझते हैं, लेकिन बाद में वह उन्हें किसकी ओर ले जाता है? मृत्यु की ओर ले जाता है। तो हमें चेक करना है हमारा आचरण ठीक है क्या प्रभु के सामने, जिस खुदा की उपस्थिति में हम आए हैं, जिस खुदा से हम मांगने जा रहे हैं, आचरण ठीक है क्या? तो बार बार हमें चेक करने की जरूरत है, बार बार हमें जांचने की आवश्यकता है। सूक्ति अध्याय 14 वाक्य 12, सूक्ति अध्याय 14 वाक्य 14, इन सारे वचनों में आप पढ़ेंगे लिखा है कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। सूक्ति 16:2 में लिखा हुआ है मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। देखो बहुत सारे वचन आपको मिल जाएंगे, तो चेक करना बार बार प्रभु की उपस्थिति में आकर, चेक करते रहना अपने आप को, चेक करते रहना अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को चेक करते रहना है कि ठीक है ना सब। जब ठीक है तब अच्छा है। बोलिए हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय चलें और प्रभु से माफी मांगें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करेंगे इस वक्त, और अपने आप को प्रभु के लिए हम तैयार करें ताकि प्रभु की आशीष हम पर आए। आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रभु
बुझाने मैं आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी। करता उजियारा पाने आया हूँ, भटक रहा हूँ। उजियारा पाने आया हूँ, प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ। उजियारा करना। एक साथ मेरे प्रभु,
हाथों को उठाएं, प्रभु की तारीफ करते जाएं। हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तेरी परम पावन उपस्थिति के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा वादा है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे बीच में हाजिर रहूंगा। तू अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने परिवारों में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु ईश्वर का बलित मेमना जो इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में हाजिर है, वो इस वेदी पर विराजमान है। उसकी दया हमारे घरों की ओर बह रही है। आपके घर प्रभु के महिमा से भरे हुए हैं। प्रभु का आत्मा आपको उसके सानिध्य से घेरे हुए हैं। इस पवित्र संस्कार के रूप में वो हमारे बीच में हाजिर हैं। उसने चाहा कि वो रोटी के रूप में जो जीवन देती है हमारे बीच में रहे। परमेश्वर ने चाहा कि ईसा अपने प्राणों को बलि करके हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें। यीशु ने चाहा कि पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में हमारे साथ रहे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने अपना रक्त बहाकर मेरे लिए प्रायश्चित किया है। मैं आपके उपकारों के लिए आपको क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। हे प्रभु, मैं आपके पद चिन्हों पर चलने का सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, आप दया के राजा हैं, मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, अपने जीवन के लिए, माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रशासकों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, तेरे चुने हुए लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ। हे प्रभु यीशु, याद कर कि मूसा निरंतर तेरी प्रजा की अगुवाई करता रहा। वो उनके लिए निरंतर क्षमा की याचना करता था, वो उनके लिए प्रार्थना करता रहता था। हे प्रभु, वो आपके और आपकी प्रजा के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में खड़ा था। हम तेरे दास इस वक्त तेरी हजूरी में आकर प्रभु तेरी प्रजा के लिए मध्यस्थता करते हैं। इन पर दया कीजिए, इन्हें उन्नति प्रदान कीजिए, इन्हें सफलता प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के फल इनमें उन्नति पाएं। हालेलुया
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे घर, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस वेदी पर विराजमान है। आप में से जितने भी लोग इस आराधना में, छुटकारे की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सबके हृदयों की थाह ले रहे हैं। जितने भी लोगों ने अपने निवेदन इस वक्त ऑनलाइन चैट में भेजे हैं, प्रभु आपको छुए, स्पर्श करे और आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जो बीमार हैं, बेसहारा हैं, मैं आप सभी को प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। प्रभु की दया का भरोसा करें, वो हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर दया करता है। उससे कहना कि प्रभु हम तेरी हजूरी में आए हैं, मुझ पर दया कर। वो अपने वादों का पक्का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं। मैं उन सबों के लिए, मैं उन सबों के लिए क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता, जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, आप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपकी बातों का विरोध करते हैं, आपकी बातों का विरोध करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए, मैं उन सभी लोगों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ, क्षमा की याचना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करें, प्रभु से दया की याचना करें। एक एक बात के लिए, जाने अनजाने में जो हमारे जीवन से घटित हो गई, हमारे मुख से जो बातें निकली, उसके लिए हम क्षमा की याचना करें। हो सकता है आज किसी का दिल हमने दुखाया होगा, हो सकता है किसी को ठेस पहुंचाई होगी, हो सकता है कि हमने लड़ाई झगड़ा किया होगा। हम प्रभु से दया की याचना करें। करुणा कर हे प्रभुवर, करुणा कर हे प्रभुवर, दया कर हे प्रभुवर, दया कर हे प्रभुवर। हम दीनहीन पश्चतापी हृदयों को प्रभु स्वीकार कर, नाकेदार के जैसे प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्षमा की याचना करते जाना। तत्पश्चात प्रभु के पवित्र लहू से हम अपने आप को पवित्र करेंगे, संरक्षित करेंगे, अपने घरों को, चौखटों को, बिछौनों को प्रभु के पवित्र सामर्थी लहू से वो ब्लेस करेंगे।
यशायाह नबी लिखता है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। इसलिए इस वक्त हम सामूहिक रूप से प्रायश्चित करेंगे। भजन संहिता 51 हम दोहराएंगे, साम नंबर 51। बड़े आग्रह के साथ जो घुटना टेक सकता है टेके, जो हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। बाइबल हमें बताती है रोमियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, सबों ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। प्रभु के चुने हुए लोगों का यह कर्तव्य है कि वह कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्र बंधुओं, माता पिता, संतानों के लिए प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रायश्चित करें। इसलिए आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में ये बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, मैं तो जन्म से अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, और पापी तेरे पास लौट आएंगे, और पापी तेरे पास लौट आएंगे, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता, यदि मैं होम चढ़ा
जाता तो तू से अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, तब तू योग्य बलिदान। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे, और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित हो जाएं प्यारे भाई प्यारी बहन, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले, हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चले, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं। इस पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु मौजूद हैं, इस वेदी पर वो हमारे बीच में हाजिर है। वो राजाओं का राजा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। बाइबल हमें बताती है प्रभु ईश्वर ने सारी सृष्टि को ईसा के पैरों तले डाल दिया है, इसलिए हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। सारे कामों को छोड़कर इस वक्त आप लोग मेरे साथ एक मन एक प्राण एक चित्त होकर प्रभु की स्तुति करना। प्रभु आपकी आटा गूंदने की परात को आशीष देगा, आपकी चौखटों और बिस्तरों को प्रभु ब्लेस करेगा। जिन्हें नींद नहीं आती है, समर्पित होना प्रभु आपको हर प्रकार की सांत्वना प्रदान करेगा। आज के वचन आपके लिए हैं, आज के वचन आपकी उन्नति के लिए हैं, इसलिए पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगना कि इन वचनों को हम समझ सकें, इनको ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उन्हें धारण कर सकें। तेरे सिवा तू आरू।
से तू अपनी हम पर दया कर हे क्रिस्त हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया कर हे प्रभु हम पर दया हे क्रिस्त हमारी विनती सुन हे क्रिस्त हमारी विनती सुन हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर आपका जवाब होगा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरी आँखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरे मुंह को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरी इंद्रियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे हे प्रभु
यीशु मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे हृदय को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे लहू को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शरीर के हर कण कण को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे राष्ट्र को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सरकारी नुमाइंदों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बुजुर्गों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी निसंतान दंपतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे दफ्तरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे इस भवन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस प्रार्थना को दोहराना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए, विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, मेरा पवित्र लहू लेता हूँ, और अपने सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ, पांव तक विलेपन करता हूँ। प्रभु के पवित्र लहू को प्रतीक आत्मक चिन्ह के रूप में लेकर अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रभु के पवित्र लहू से प्रतीक आत्मक रूप से उन्हें ब्लेस करें। प्रभु आशीष प्रदान करेगा। शरीर में जहाँ भी कहीं कमी घटी है, दर्द है, परेशानी है, चिंता है, निराशा है, हृदय की समस्याएं हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। आपकी नसों में प्रभु का पवित्र लहू दौड़ने लगे, हड्डियों की मज्जा तक में प्रभु का पवित्र लहू पहुँचे। जितनों ने विश्वास किया है आज वो शांति पाएं, उद्धार पाएं, चंगाई पाएं, बंधन टूटें यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा।
आपके शरीरों आत्माओं हृदयों से रोग बीमारियां आपको छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू की, तेरे पवित्र लहू की संपूर्ण संरक्षण की, संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे हर पाप से, हर बुराई से, प्रलोभन से, शैतान के हमलों से, अंधकार की शक्तियों से, कष्ट और बीमारी से, डर और भय से, महामारी और संदेह से, क्रोध और विपत्ति से, और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, हमें सुरक्षित रखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कलवरी से वो लहू की धारा बह चली। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसमें विश्वास किया, वो सब के सब चंगे हो गए, क्योंकि उसके लहू में जीवन है। उसका लहू हमें शिफा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रेम हमने क्रूस पर देखा, वो दया हमने उसके लहू से प्राप्त की, उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है कि हम नित्य प्रतिदिन अपने आप को उस पवित्र लहू से संरक्षित करें, संपूर्ण संरक्षण की मांग करें। कलवरी से वो जो लहू बह निकला, प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसकी स्तुति करें। करने की तेरी शक्ति को
को उठाते हुए जनों, आप जहां कहीं भी हैं, मन से, आत्मा से, हृदय से यीशु के साथ जुड़ जाना, उसके पावन घावों को याद करना, उसकी सलीब को देखना, कलवरी का वो नजारा याद करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र समय है जब प्रभु की दया और क्षमा हम उसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं, परिवार में और घर में। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने हाथों को उठाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रियजनों, स्वर्ग द्वार खुल जाता है और आशीषें आपके ऊपर बरसने लगती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त प्रभु की दया को महसूस कीजिए, उसकी चंगाई को महसूस कीजिए, उसकी क्षमा को महसूस कीजिए। परिवार जो निराशा में है, जो चिंता में है, जो प्यारे भाइयों और बहनों अत्यंत परेशान हैं बेरोजगारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, समर्पित हो जाना प्रभु का वादा है। वचन हमें याद दिलाता है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11, मेरी वाणी जो चाहती है वही कर डालती है, मेरी वाणी जो चाहती है वही कर डालती है, वो मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास वापस नहीं लौटती। आज का वचन आपके लिए, आज का वचन आपके उद्धार के लिए है, क्योंकि यीशु का ये वादा है कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। उन वचनों के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, उन वचनों के द्वारा तुम चंगे हो गए हो, उनके घावों के द्वारा आप चंगे हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा याद दिलाता है कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को ग्रहण करना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मैं जो चाहता हूं, प्रभु कहता है, मैं वही कर डालता हूं, मैं जो चाहता हूं वही कर डालता हूं, और उससे मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरी वाणी मेरे पास वापस आती है। इसलिए जब आप रोज संध्या के समय इन वचनों को सुनते हैं, प्रियजनों, अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करें, ताकि ये वचन रूपी बीज जो आपके हृदय में और परिवार में रोज बोया जाता है, ये 100 गुना फल लाए। प्यारे भाइयों और बहनों, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक हम पढ़ते हैं कि माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना, उनकी सेवा करना, अपने तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के हाथ जैसे प्रार्थना में ऊपर रहते थे, मूसा के हाथ जैसे प्रार्थना में ऊपर रहते थे, आपके हाथ भी परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा ऊपर रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमसे पूछते हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो, क्या तुम सफलता पाना चाहते हो, क्या तुम उन्नति करना चाहते हो, बच्चों, क्या तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, क्या तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो,
तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अच्छी नौकरी चाहते हो? क्या तुम अच्छे वर या वधु की तलाश में हो? तो तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। मैं तुम्हें उन्नति प्रदान करूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ये आज प्रभु का वादा है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको शुद्ध किया, जीवन दिया। इसलिए हम उस नज़ारे को याद करते हैं। वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है और वो हमें ब्लेस करना चाहता है। इसलिए आज अपने हृदय के द्वार को खोलना और निरंतर प्रार्थना करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1-6 में हम पढ़ते हैं, प्रे अनसीजिंगली, कंटिन्यूसली, लगातार प्रार्थना करते रहना। धन्यवाद के निवेदन और प्रार्थना प्रभु को आप समर्पित करते रहना। प्रेयर्स ऑफ सप्लिकेशंस टू बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड एवरी डे। कष्ट में हो, सुख में हो, दुख में हो, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास की परख हमारी इन विषम परिस्थितियों में होती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसकी स्तुति करें, आराधना करें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो आज का वचन उन लोगों के लिए है जो निराश हैं, चिंता में हैं। बाइबल हमें बताती है, अगर आप वचन पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में, तो प्रभु का वचन कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद अध्याय 3 पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे, जागो तुम में जो जीवन शेष है और बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डाल दो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो प्रभु कहता है, मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जो जागेगा, जो उठेगा, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेगा, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जो उसके लिए द्वार खोलेगा, वो उसके घर में आने के लिए तैयार है। ये प्रभु का वादा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता, तुम में जो जीवन शेष है उसमें प्राण डाल दो। जो तुम में से जीवन शेष बचा हुआ है, मैं समझता हूं कि उम्र के दिन यदि कम होते जा रहे हैं तो जितना जीवन बचा है उसमें प्राण डाल दो। प्रभु का वचन कहता है, बचे हुए जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाओ, बल्कि अंतिम क्षणों में प्रभु को याद करना, प्रायश्चित करना, प्रभु से प्रेम करना, क्योंकि वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3, अध्याय 3 पद संख्या 11, पद संख्या 11, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, जो शिक्षा तुम्हारे पास है, उस पर दृढ़ बने रहो, उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे, तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सुंदर बात है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है कि मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर में जो खंबा है उसको बनाऊंगा और वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हें जो शिक्षा मिली है, जो शिक्षा तुम्हारे पास है, उसमें तुम लोग दृढ़ बने रहो। पद संख्या 12 में लिखा है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा।
अर्थात जो प्रभु में विजयी होगा, जो धैर्य रखेगा, जो उसमें चलेगा, प्रभु कहता है कि ईश्वर के मंदिर का खंभा मैं उसे बनाऊंगा और वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं कि प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं और आशीष प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहें, तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, इस वचन को ग्रहण, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए कि मैं आपकी हजूरी में, मैं आपकी हजूरी सदा बना रहूँ, सदा बना रहूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज ये वचन आपके लिए है। प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम जागते रहो। धन्य है वह सेवक जिसे स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि वह अपनी कमर कसेगा और तुम्हें परोसेगा। यह आज प्रभु आपसे कहना चाहता है। अफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में वचन हमें बताता, संत पौलुस कहता है कि आप लोग याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे, इज़राइल के समुदाय से बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से आप लोग अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से आप लोग रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त के द्वारा ईश्वर के निकट आ गए हैं, इसलिए आप लोग जागते रहें। आप लोग उन लोगों के जैसे ना बने जो सोते रहते हैं, जो मदिरा पीते रहते हैं, जो इस संसार की आत्मा से संचालित हैं, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अब ईश्वर की संहिता से और वचन से भली भांति परिचित हैं। पहले आप परिचित नहीं थे, लेकिन ईसा मसीह के रक्त ने आपको ईश्वर के नजदीक ला दिया है, निकट ला दिया है। आगे लिखा है, क्योंकि वह हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु के द्वारा विधि निषेधों की संहिता को उन्होंने रद्द कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने पिता से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति की स्थापना की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग पहले दूर थे, पहले ईश्वर से दूर थे, इज़राइल के समुदाय से बाहर थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं। अब आप लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, तो इसलिए आप लोग ना तो अब परदेशी हैं। अगर आप वचन संख्या 19 पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19, तो लिखा है कि आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं।
और यदि कोई ईश्वर के घराने का सदस्य बन गया है तो वो कैसे पाप करने का विचार अपने मन में ला सकता है, वो कैसे ईश्वर से दूर जाने का विचार अपने मन में ला सकता है, वो कैसे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि अब आप लोग प्रवासी नहीं हैं, ना ही आप लोग परदेशी हैं, आप तो संतों के सहनागरिक हैं, आप लोग ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आगे लिखा है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे लिए, आपने मेरे सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, अपना लहू, प्राणों को निछावर कर दिया, प्राणों को निछावर कर दिया और हमें पिता से मिला दिया, और हमें पिता से मिला। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए एक विश्वासी को इन वचनों पर विश्वास करके प्रभु के नजदीक आने की आवश्यकता है, प्रभु के हुजूरी में बने रहने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों में जीवन है, ये आपका जीवन बदल देंगे। शायद आपने पहले नहीं सुना होगा या पहले पढ़ा नहीं होगा या समझ में नहीं आया, तो आज समझ लीजिए, पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है कि आप लोग संतों के सहनागरिक हैं, आप परमेश्वर की निजी प्रजा हैं, आप उसके घर के सदस्य हैं, आप ईश्वर के घराने के सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने रक्त बहाकर ईश्वर से आपका मेल करा दिया है। और यह इसलिए हुआ, बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया है कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया, उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया, इसलिए वो नित्य प्रतिदिन हमें आशीष देता है। जब जब आप उसे बुलाते हैं, जब जब आप उसे पुकारते हैं, वो आशीष देता है, निरंतर मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए बिछवाई करता है, पिता के दाहिने विराजमान होकर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, भले बुरे दोनों के ऊपर वो सूरज उगाता है, क्योंकि उसका स्वभाव देने का है, उसका स्वभाव आशीर्वाद देने का है, परमेश्वर का स्वभाव जीवन देने का है, चंगा करने का, क्षमा करने का है, वो सहनशील है, दयालु है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपकी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी नादानियों को समझता है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उसके पास जाते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के साथ, मैं अपने परिवार के साथ आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों में, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। 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 तो संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया गया है, उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया, उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को उसने प्रदर्शित किया है। इसलिए इन बातों को हम सुनते हैं, इस आशा का संचार हमारे जीवन में होता है, इन वचनों के द्वारा आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हमें में नवजीवन का संचार करता है और हम रोज वचन सुनते हैं। जब भी हम पवित्र भवन में जाते हैं और आपके लिए पुरोहित वचन की व्याख्या करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उस समय हमसे बातें करता है, हमें बताता है पिता के प्रेम के विषय में, उसकी दया के विषय में, उसकी चंगाई के विषय में, आने वाले युगों के लिए जो हमारे वंशज हैं उनकी समृद्धि के लिए वो वचन देता है और उसको सुन के हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारे पैरों को, प्यारे भाइयों और बहनों, हिरणी की गति प्रदान करता है, इसलिए हमारी आत्मा निरंतर उसके लिए तरसती रहनी चाहिए। वचन हमें बताता है, अफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 कि उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया।
हमने अपना उद्धार अपने आप नहीं किया, हमने उद्धार अपने आप नहीं पाया। पवित्र बाइबल कहती है कि उसकी कृपा ने, ईश्वर की कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह के द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे कि हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार में ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, स्तोत्रकार कहता है, जब इन बातों को हम अनुभव करते हैं, और स्तोत्रकार ने ईश्वर के इस प्रेम को अनुभव किया, उसने उसके चिन्ह चमत्कारों को अनुभव किया, उसने उसके चंगाइयों को और उसकी दया और उसकी क्षमा को अनुभव किया, तो इसलिए स्तोत्रकार कहता है साम नंबर 16 वर्स 11, स्त्रोत संख्या 16 पद संख्या 11 कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति मिलती है। इंसान अपना आनंद खोजने के लिए ना जाने कहां कहां जाता है, खुशी खोजने के लिए ना जाने कहां कहां जाता है, मेहमानों में जाता है, दोस्तों के साथ जाता, पिकनिक में जाता है, टूर पर जाता है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, ना जाने किस किस कार्य को वो करता है, लेकिन फिर भी उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता। संसार में रहते समय इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। ये पूर्ति कहां होती है, ये आनंद कहां मिलता है, स्तोत्रकार इस बात को स्पष्ट करता है साम नंबर 16 वर्स 11 कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति मिलती है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके साथ रहकर, आपके साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने, तेरे दाहिने सदा के लिए, सदा के लिए सुख शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वचन साम नंबर 30 वर्स 12 स्तोत्र संख्या 30 पद संख्या 12 कि तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। जो बीमार थे, जो लाचार थे, जो बिस्तर पे पड़े हुए थे, जिनकी हड्डियां सूख रही थी, जिन्हें जीवन मिल गया है, जिन्होंने आनंद को अनुभव किया, खुशी को अनुभव किया, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें यह कहना चाहिए कि तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरा परिवार इस परिस्थिति में था, इतने शोक में था, इतनी बेरोजगारी में था, आर्थिक तंगी में था, तूने हमें आजाद किया है, इसलिए तूने हमारा आनंद, तूने हमारा शोक आनंद में बदल दिया है। यशायाह नबी का ग्रंथ बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 10 प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वे आनंद प्राप्त करके लौटेंगे। बोलिए आमेन, आमेन। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है कि प्रभु ने जिन्हें आजाद कर दिया है, जिन्हें मुक्त कर दिया है, जिनका उद्धार कर दिया है, वे आनंद प्राप्त करके लौटेंगे, वे शोक मनाते हुए नहीं लौटेंगे। जो रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र वचन आपसे वादा करता है, और बाइबल कहती है नबी यशायाह के ग्रंथ में, मैंने आपके लिए पढ़ा अध्याय 55 पद संख्या 11 की, मेरी वाणी जो चाहती है वो कर डालती है, अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मांगो, तुमने अब तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। चंगाइयां, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इनर डिस्पोजिशन पर निर्भर करती हैं।
चमत्कार हमारे इनर डिस्पोजिशन पे निर्भर करते हैं, चंगाई हमारी पवित्रता पर और हमारे विश्वास पर निर्भर करती है। जैसा आपने विश्वास किया आज वैसा आपके जीवन में हो जाए। प्रभु ने कहा जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है बेटी, उठ। किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा और अब से पाप मत करना। आनंद इसलिए है क्योंकि वो हमें क्षमा करता है, वो हमारी नदानियों को नजरअंदाज करता है, वो हमारी पापों को अनदेखा करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि यदि तू मेरे पापों को अनदेखा ना करे तो तेरे सामने टिक कौन सकता है? कोई भी नहीं टिक सकता है, कोई भी नहीं टिक सकता है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक प्यारे भाइयों और बहनों, ना जाने इंसान कितनी बार अपने आप को अशुद्ध करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा, श्रवण शक्ति के द्वारा, अपनी देखने की दृष्टि जो है उसके द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, ना जाने कितनी बार अपने आप को अशुद्ध करता है। इसलिए दाऊद नबी प्यारे भाइयों और बहनों सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13 में कहता है कि दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन नातान ने जवाब दिया कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है भजन स्त्रोत संख्या 85 पद संख्या 2 कि तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर दिए, तूने उसके सब पापों को ढक दिया। वो हमारे सब पापों को क्षमा करता है, वो हमारे पापों को ढक देता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। इसलिए आज इन वचनों को अपने साथ रखें, इनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। उसका लहू जो हमें शिफा देता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के नज़दीक हम आ गए हैं, उस प्रेम के द्वारा उसने हमको पिता से मिलाया, उस लहू को बहाकर उसने हमें पिता से मिलाया है, और वो हमें आनंद प्रदान करता है, वो हमें आशीष प्रदान करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, कलोसियों को संत पौलुस लिखता है अध्याय 2 पद संख्या 13 में, बुक ऑफ कलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 13 कि आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के कारण मर गए थे, ईश्वर ने आप लोगों को मसीह में पुनर्जीवित कर दिया। आप लोग अपने स्वभाव के कारण, अपने खतने के कारण क्या कर गए थे, मर चुके थे, लेकिन ईश्वर ने आपको क्षमा कर दिया और मसीह में आपको उसने पुनर्जीवित कर दिया, और वो फिर से हमें विरासत मिल गई जो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए रखी गई थी, जिससे हम वंचित हुए थे। आज का दिन, आज की ये संध्या वंदना, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। आप में से हर एक के परिवार को, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आशीष प्रदान करे। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हर बंधन से हमें आज़ाद करे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हो गई, जो हमारे जीवन में कमी है, घटी है, जो पाप हैं या बंधन हैं, जाने अनजाने में हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, इस वक्त हम प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें, हमारे दीपक जलते रहें, हमारी कमर कसी रहे, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की आशीष का दीपक कभी बुझने न पाए। किसी प्रकार की कोई भी विषम परिस्थिति, कष्ट, दुख, तलवार हमें ईश्वर से जुदा ना करें। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवन देता है। तेरा लहू बहाओ तो खुलता है, तेरा लहू जीवन देता है। Yes,
कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से जल जाए, किडनियों के रोग, हृदय के रोग, शरीर के इन्फेक्शन यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से जल के राखो, ब्रेन ट्यूमर, गले की गांठें, शरीर की गांठें, लिपोमा की गांठें यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के संचार से सब के सब चंगे हो जाएं, रोगी चंगे हो जाएं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु जीवन देता, चंगा करता है। बाइबल में बताती है उसने रोगियों को चंगा किया, अर्धांग रोगियों को उसने चंगा किया, मुर्दों को उसने झिलाया, लंगड़ों को उसने पांव दिए, अंधों को उसने आंखें दी, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को उसने चंगा किया। 38 वर्ष के अर्धांग रोगी ने शिफा पाई और उसे चंगाई मिली। लकवे से पीड़ित अर्धांग रोगी को प्रभु ने चंगा किया, उसके पापों को क्षमा किया। कुबड़ी स्त्री को प्रभु ने सीधा किया। आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, समर्पित करते जाना। रक्तस्राव स्त्री के जैसे कहना कि प्रभु, यदि मैं आपके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा, कहते जाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, समर्पित करते जाना। हर एक प्रकार की लाइलाज बीमारियां यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से जल के राख हो जाए। याद रखें कि हर बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि बाइबल में बताती है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए प्रायश्चित करते जाना, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते जाना। परमेश्वर आपको रूह का ताजा मसा और अभिषेक प्रदान करे। याद रखें कि जहां आपका ईश्वर है वहां आपकी आशीष है। जिस घर में प्रार्थना है, जिस घर में प्रेयर है, उस घर में पावर है। जिस घर में पवित्रता है, ईमानदारी है, उस घर में अभिषेक है। जिस घर में प्रेम है, जिसके जीवन में प्रेम है, उसके जीवन में ईश्वर निवास करता, घर में ईश्वर निवास करता है। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने आचरण को सुधारना। प्रभु कह रहे हैं गलत संगति छोड़ दीजिए, नशा, ड्रग्स और मदिरा सेवन करने वाली ऐसी बातें उलझाने वाले पाप से बचते जाइए, जागते रहिए। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता, चंगा करना चाहता है। आपकी सारी जरूरतों को मैं प्रभु के सामने समर्पित करता हूँ। समर्पण का ये समय है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक एक चीज को समर्पित करना। आटा गूंदने की परात को समर्पित करना, अपनी तिजोरियों को समर्पित करना, अपनी चौखटों को, बिछौनों को, बिस्तरों को समर्पित करना, घर की चार दीवारी को समर्पित करना। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहे हमसे हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु हमसे हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो तूने समझ किया, मर्जी खुदा की नहीं थी ये जान
करते हैं अब अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, पुरोहितों के लिए, याजकों के लिए, प्रचारकों के लिए, जितने भी लोग प्रेरिताई का काम करते हैं, वचन की सेवा में हैं, इन तमाम भाई बहनों को प्रभु समर्पित करता हूँ। इन्हें पवित्रताई का निस्वार्थ सेवा का वरदान देना, जो भी कमी घटी है हे प्रभु यीशु इन्हें क्षमा करना। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जॉय को प्रभु आशीष मिले, अविनाश मिंज को हर नशे से छुटकारा मिले, रीमा को प्रभु अच्छी नौकरी मिल जाए, मंजू लता डुंगडुं को प्रभु परीक्षाओं में सफलता मिले, सोनू को प्रभु घुटनों के दर्द से छुटकारा मिले, राधिका को आशीष प्रदान कर, सतीश को बुखार से छुटकारा प्रदान कर, डीबी रोज को प्रभु आशीष प्रदान कर, नेल्सन कैस्कर को संपूर्ण आशीष और चंगाई प्रदान कर, उनके शरीर की नसों में तेरा पवित्र लहू बहने लगे, एलिजाबेथ लोबो के शरीर को प्रभु पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, जितने भी लोग बीमार हैं रोगशैया पर हैं प्रभु, जो लकवे से पीड़ित हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं प्रभु, उन पर तेरी दया बनी रहे, उन्हें क्षमा कर चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसू को पोंछने वाले, चंगाई दाता यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। इस वक्त हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल दे, हमें सद्बुद्धि आए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिन्हें याद नहीं होता, याददाश्त की कमी है, प्रभु से कहना हमारी याददाश्त को छू ले, स्पर्श कर, पवित्र कर, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर, और हम प्रभु तेरे मार्ग पर चलने वाले बन सकें। प्रभु आपके लिए रास्ते खोले, आसमान से स्वर्ग से उसकी आशीष आपके जीवन पे और परिवार पे उतरे। घुटना टेकी, हाथों को उठाइए, मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जैसा आपने विश्वास किया प्रभु आपके जीवन में वैसा पूरा हो जाने दे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपना पवित्र लहू बहाकर अपनी इस प्रजा का उद्धार किया, पाप की दास्ता से इन्हें मुक्त किया, पिता ईश्वर से इनका मेल कराया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हम धन्यवाद देते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है, आज तेरे इन बच्चों के जीवन पर, इनके परिवार पर, नवजात शिशुओं पर, दंपतियों पर, पति पत्नियों पर, बुजुर्गों पर अपनी आशीष बरसा दे और इन्हें अच्छा स्वास्थ्य और उन्नति और आशीष प्रदान कर। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, इनकी रक्षा करें, इनके घर की चार दीवारी तेरी आंखों के सामने बनी रहे,
जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, घुटना टेक के आंसू बहाते हैं, हे प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनने और कबूल करने की कृपा कर। तूने कहा है कि तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हे प्रभु तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है और तेरी वाणी जो चाहती अपना कार्य पूरा करके तेरे पास लौटती है। आज के वचनों के द्वारा तेरी इस प्रजा के जीवन में, परिवार में 100 गुना फल आ जाए। इनके पैसे को, इनकी मेहनत मजदूरी को, इनकी तिजोरियों को आशीष प्रदान कर। इनके दफ्तरों को, इनकी कलीसियाओं को प्रभु आशीष मिले। इनके खेत खलियानों, माल डंगर, खेती बाड़ी पर तेरा आत्मा अधिकार ले और उन्नति प्रदान करे। हे प्रभु यीशु ये वचन को सुने और उस पर विश्वास करे और उसमें बढ़ते जाए। तेरा वचन इनमें नई स्फूर्ति और जीवन भर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमेन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा। हम जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार जोरदार जोरदार।
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में, परिवार में 100 गुना फल लाए। प्रभु को हमारी आज की आराधना पसंद आए और वो आप सभी को आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यूट्यूब लिंक को आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम सब के लिए आप प्रार्थना करें ताकि इसी उत्साह के साथ नित्य प्रतिदिन हम आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।